हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर डिस्कसिंग आंसर कीज फॉर CCS यूनिवर्सिटी LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। सो इन दिस वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 74। नाउ 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस जज अल्वरेज इवॉल्व द डॉक्ट्रिन ऑफ जनरल असेंबली रिजोल्यूशंस आर वर्चुअली बाइंडिंग अपॉन द स्टेट इन लेजिस्लेटिव सेंस। 74 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है और ये घुमा फिरा कर 3 बार पूछा गया है इसी एग्जाम में। 74 में इसका रेफरेंस आया है, 87 में इसका रेफरेंस आया है, कई बार ये केस लॉ पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसे समझाया भी है। We will discuss further this question. अभी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा। In which of the following case Judge Alvarez evolved the doctrine of General Assembly resolution are virtually binding upon the state and its in legislative sense? तो ये केस होगा, इसका आंसर इसमें ऑप्शन दिए हैं साउथ वेस्ट अफ्रीका वोटिंग प्रोसीजर केस ICJ रिपोर्ट 1975, वेस्टर्न सहारा केस ICJ रिपोर्ट 1975, एंग्लो नॉर्वे फिशर केस ICJ रिपोर्ट 1951 P152, साउथ वेस्ट अफ्रीका वोटिंग प्रोसीजर केस ICJ रिपोर्ट 1955 P67। न्यायाधीश के किस वाद या मामले में न्यायाधीश अल्वरेज ने सिद्धांत विकसित किया कि महासभा प्रस्ताव राज्यों के लिए विधायी अर्थ में बाध्यकारी हैं? पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका मतदान प्रक्रिया मामला ICJ रिपोर्ट 1975 P12। बी ऑप्शन है पश्चिमी सहारा मामला ICJ रिपोर्ट 1975 P12। सी ऑप्शन है एंग्लो नॉर्वेजियन फिशर केस ICJ रिपोर्ट 1955 P152। एंड डी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका मतदान प्रक्रिया मामला ICJ रिपोर्ट 1955 P67। तो 74 जो है इसका करेक्ट आंसर है सी, विच इज एंग्लो नॉर्वे फिशर केस ICJ रिपोर्ट 1951 P152। नाउ क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन पार विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन टर्म ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी इन द फॉलोइंग केस। SS धनोआ बनाम भारत संघ, TN सेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, AC जोस बनाम सीवन पिल्लई एंड वेंकटा चलन बनाम AV स्वामीनाथ। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 75? तो 75 कौन सा आंसर होगा, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबरशिप बाय द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल। ऑप्शन सी इज जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ऑप्शन डी इज सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य को निम्नलिखित द्वारा सदस्यता के अधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग करने से निलंबित किया जा सकता है, साधारण सभा के द्वारा, सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद के द्वारा, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशंस फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर साधारण सभा के द्वारा, या फिर सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव द्वारा। तो ये 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अगर आपको ये पढ़ना है तो ये आर्टिकल 5 पढ़िए इसका, इसमें आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लॉ जो है उसका आर्टिकल 5 पढ़िए, उसमें ये दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 77 आ जाता है, इन ई पी रोयप्पा केस में विच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज प्रोपाउंडेड द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कंसेप्ट विद मैनी एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस एंड इट अविटा कैन नॉट बी क्रिप्टेड कंबाइंड एंड कन्फर्म्ड विद ट्रेडिशंस एंड डॉक्ट्रिन लिमिट्स। तो
तो ये क्वेश्चन है, ईपी रोयप्पा मामले में किस न्यायाधीश ने नए आयाम के रूप में समानता को इस तरह से परिभाषित किया कि समानता एक गतिशील संकल्पना है जिसके कई पहलू एवं आयाम हैं और इसे सशक्त, सम्मिलित और सीमित पारंपरिक और मतवादी दायरे में नहीं रखा जा सकता है। न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़, न्यायाधीश पी एन भगवती, न्यायाधीश आर कृष्ण अय्यर और न्यायाधीश ओ पी चिनप्पा रेड्डी। तो इसमें जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चैलेंज किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आ गई थी, आर्टिकल 14 को संविधान के आर्टिकल 14 को चैलेंज किया गया था मेनका गांधी वाले केस में। और वहाँ पे मेनका गांधी वाले केस में आर्टिकल 14 को चैलेंज किया गया था और क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आ गई थी। और इसमें जो जज बैठे थे वो जजों की जो बेंच थी वो सीजीआई राय थे, पालेकन थे, चंद्रचूड़ थे, भगवती थे और कृष्णा अय्यर थे। तो यहाँ पे देखो चंद्रचूड़, भगवती और आर कृष्णा अय्यर, ये तीन तो दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या ऑप्शन, ये जो सेंटेंस है, ई रोयप्पा मामले में विच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज प्रोपाउंडेड द न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एज इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कंसेप्ट विद मैनी एस्पेक्ट एंड डायमेंशन एंड इट्स अ वीटा कैन नॉट बी क्रिप्टेड कंबाइंड एंड कन्फर्म्ड विद ट्रेडिशन एंड डॉक्ट्रिन लिमिट्स। समानता एक गतिशील संकल्पना जिसके कई पहलू और आयाम हो सकते हैं, इसे आसक्त, सम्मिलित और सीमित पारंपरिक एवं मतवादी दायरे में नहीं रखा जा सकता है। ये किसका कथन था, किसने ये कोट किया था, 77 क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है पी एन भगवती ने, उस टाइम जो है पी एन भगवती ने इसको सही कोट किया था। तो इस ऑप्शन बी इज करेक्ट, पी एन भगवती, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पी एन भगवती। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, अ लीगल पर्सन इन एनी सब्जेक्ट मैटर अदर देन द ह्यूमन बीइंग टू विच लॉ एट्रीब्यूट पर्सनालिटी हु सेड दीज वर्ड्स। व्यक्ति मानव के से इतर वह विषय वस्तु है जिसे विधि ने व्यक्ति का जामा पहना दिया है, यह शब्द किसके हैं, सेविनी के हैं, बेंथम के हैं, ऑस्टिन के हैं या सैमंड के हैं। 78 क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ये कथन सैमंड के हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी, डी आंसर इसका करेक्ट होगा, सैमंड ने कहा है, ठीक है। इसका 79 क्वेश्चन है, 79 क्वेश्चन, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज एन एक्सरसाइज इन लॉजिक एंड नॉट लाइफ, दिस ऑब्जर्वेशन वॉज मेड बाई। प्योर थ्योरी का सिद्धांत तर्कशास्त्र का एक अभ्यास है ना कि जीवन का, यह टिप्पणी किसने की, पाउंड ने की, सेवनी ने की है, मेन ने की है, हराल्ड लास्की ने की है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, हराल्ड लास्की ने यह टिप्पणी की है, करेक्ट आंसर इज डी। इसके अंदर लॉ इज डेराइव्ड फ्रॉम द सोशल फैक्ट एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टेट अथॉरिटी बट ऑन द सोशल कंपल्सन, हु सेड दिस। क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर डी है, पाउंड ने कहा है, ठीक है। पुर्चा, एरेलिच, फ्रीडमैन एंड पाउंड, ये ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है डी, पाउंड ने कहा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव डायरेक्शन टू द फैक्ट दैट द मैरिजेस ऑफ ऑल पर्सन सिटीजन्स ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू द वेरियस रिलीजन शुड बी मेड कंपल्सरी रजिस्टर्ड इन दोज रिस्पेक्टिव स्टेट्स वेयर मैरिजेस इज सोलेमनाइज्ड। दीज डायरेक्शंस वर इशूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि विभिन्न धर्मों के भारतीय नागरिकों और समस्त व्यक्तियों के विवाह को उन राज्यों में जहाँ विवाह संस्कार पूरे किए गए हैं अनिवार्य रूप से पंजीकृत कर देना चाहिए। निम्नलिखित वादों में से किसने यह आदेश निर्देश जारी किए हैं, 82, तो 82 का करेक्ट आंसर है, इसमें से ऑप्शन है आर डी उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, शास्त्री वर्सेस मालदास एंड सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज कैलाश सरकार वर्सेस माया देवी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 82 का, 82 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, सीमा बनाम अश्विनी कुमार, सीमा बनाम अश्विनी कुमार,
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 83, कॉन्सेंसस एंड आइडम मींस, कॉन्सेंसस एंड आइडम मींस कॉमन इंटेंशन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज मीटिंग ऑफ माइंड, ऑप्शन नंबर सी कॉमन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्सेंसस एंड आइडम मींस मीटिंग ऑफ माइंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सो 83 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। Where a contract contains a stipulation by the way of penalty or breach of contract, the aggrieved party is entitled for the compensation. Reasonable amount, even more than stipulated amount is lost, is proved. So section 84 है, sorry, question number 84 है, where a contract contains a stipulated by the way of penalty on the breach of contract, जहां पर संविदा में भंग होने पर शास्ति के रूप में राशि का प्रावधान है, तो पीड़ित पक्ष का निम्नलिखित क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा। स्टिपुलेटेड अमाउंट इफ एक्चुअल लॉस इज प्रूव्ड, इफ एक्चुअल लॉस इज प्रूव्ड देन स्टिपुलेटेड अमाउंट, स्टिपुलेटेड अमाउंट इवन इफ एक्चुअल लॉस इज नॉट प्रूव्ड, रीजनेबल अमाउंट बट नॉट मोर देन स्टिपुलेटेड अमाउंट, रीजनेबल अमाउंट इवन मोर देन स्टिपुलेट अमाउंट इफ लॉस इज प्रूव्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, रीजनेबल अमाउंट इवन मोर देन स्टिपुलेटेड लॉस इज प्रूव्ड। ओके, अगर मोर देन स्टिपुलेटेड लॉस है फिर भी आपको रीजनेबल अमाउंट ही उचित राशि, परंतु यदि वास्तविक हानि प्रूव हो जाती है तो तय की गई राशि अधिक भी हो सकता है, ठीक है, बट होना रीजनेबल अमाउंट ही चाहिए। 85 है, फॉर एक्ट ऑफ गॉड टू बी एन एक्सेप्शन, देयर इज टू बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेज, सो अनएक्सपेक्टेड टू द ह्यूमन फोर्स आर स्किल कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड एंड एंटिसिपेटेड, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट एक्सेप्शन एंड कैन बी ओवरलुक्ड कोड। अगर एक्ट ऑफ गॉड है तो एक्ट ऑफ गॉड है मतलब एक्ट ऑफ गॉड है, तो ये एक एब्सोल्यूट एक्सेप्शन है एक्ट ऑफ गॉड, तो इसका मतलब ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, इसका ऑप्शन ए सही है। क्या कर सकता है कोई, नेचुरल कैलामिटी का कोई कुछ नहीं कर सकता, फॉर दैट नेचुरल डिजास्टर्स आर देयर, सो नेचुरल डिजास्टर्स इसलिए बने होते हैं कि कैलामिटी हो जाए फिर उसको मैनेज करो। इन ऑर्डर टू प्रूव द ऑफेंस ऑफ डाउरी रिलेटेड टू एक्ट ऑफ लॉ प्रैक्टिस दैट द डिमांड ऑफ डाउरी शुड हैव बीन मेड विद इन द 7 years ऑफ मैरिज, देयर मस्ट बी क्रुएल्टी अगेंस्ट अ वुमेन टू एंटर अ डाउरी डिमांड, देयर मस्ट बी अ कंडक्ट ऑफ हरासमेंट ओनली फॉर सच डिमांड एंड ऑल ऑफ द अबव। 86 क्वेश्चन है, 86 क्वेश्चन है कि दहेज संबंधित अधिनियम का अपराध सिद्ध करने के लिए कानून में निहित किया गया है, विवाह के 7 वर्षों के अंदर दहेज की मांग की गई, वो आइडियल है, दिस इज एन आइडियल, कि द डिमांड ऑफ डाउरी शुड हैव बीन मेड विद इन 7 years ऑफ मैरिज, तो ये तो सही है। देयर मस्ट बी क्रुएलिटी अगेंस्ट द वुमेन ऑफ इंटर डाउरी डिमांड, ये भी ठीक है, क्रुएलिटी होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ कंडक्ट ऑफ हरासमेंट, ऐसा कुछ होना चाहिए तभी, देन इट लुक्स ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, तो 86 का डी होगा ऑल ऑफ द अबव, 86 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ 87, बाउंड्री डिटरमिनेशन ट्रीटीज आर बाइंडिंग इवन ऑन द नॉन पार्टी स्टेट्स बिकॉज दे आर वैलिड एर्गोनम्स द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेल्ड सो इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, मैंने कहा ना घूम फिर के ये केस कई बार पूछा गया इसी एग्जाम में। सीमा निर्धारण संधियां गैर पक्षकार राज्यों पर भी बंधकारी होती हैं क्योंकि ये संपूर्ण विश्व के लिए वैध है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयिक अदालत ने इसे किस वाद में ऐसा निर्णय सुनाया, द एलम केस, द केस कंटेनिंग कसिकली सेडू द्वीप आइसलैंड, बोत्सवाना वर्सेस नामबिया, बोत्सवाना वर्सेस नामबिया के केस में, द केस ऑफ कंसर्निंग द गब्बी सोक
सोकोवो, गब्बी सोकोवो, नगीम रोस। ओके, प्रोजेक्ट हंगरी वर्सेस स्लोवाकिया एंड द डी ऑप्शन इज एंग्लो नॉर्वेन फिशर केस। तो बाउंड्री डिलिमिटेशंस ट्रीटीज आर बाइंडिंग इवन ऑन नॉन पार्टी स्टेट्स। तो बाउंड्री डिलिमिटेशन जो ट्रीटीज हैं वो नॉन पार्टी स्टेट्स पे भी बाइंडिंग होती हैं। तो ये जो केस है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं 87 को। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्वे जो है इसका सही आंसर डी है, द एंग्लो नॉर्वे फिशरमैन केस। लेकिन ये केस कैसे उठा था कि नॉर्वे की जो गवर्नमेंट थी, ये तीसरी बार आया, मैंने एक बार शायद इसी पेपर को डिस्कस करते वक्त भी समझाया इस चीज़ को। नॉर्वे की सरकार ने एक कस्टमरी रूल अपना रखा था कि नॉर्वे की जो कोस्टल एरिया है, नॉर्वे का जो सी एरिया है, जो नॉर्वे का कोस्टल एरिया है, उसमें उसके अंदर 10 माइल्स के अंदर के क्षेत्र में कोई भी ब्रिटिश फिशरमैन, नॉर्वे का जो कोस्टल एरिया है उस नॉर्वे के कोस्टल एरिया के 10 माइल्स के अंदर तक कोई भी ब्रिटिश फिशरमैन जो है वहाँ मछली पकड़ने नहीं आएगा। ब्रिटिश फिशरमैन भी इस कस्टमरी रूल को फॉलो करते थे, वहाँ मछली पकड़ने 10 माइल्स तक नहीं जाते थे, कोई भी वहाँ फिश पकड़ने नहीं जाता था। लगभग 300 सालों तक यह कस्टमरी रूल चलता रहा। नॉर्वे की जो सरकार है उसने एक कस्टम बना रखा था और वो कस्टम ये था कि इनकी जो सीमा थी वो 4 माइल्स तक की थी, लेकिन इन्होंने सीमा को जो है अपनी वो डिलिमिट किया 10 माइल्स तक किया। और ये बताया कस्टमरी रूल अपना रखा था कि इसकी इस सीमा के 10 माइल्स तक कोई भी ब्रिटिश फिशरमैन यहाँ पर फिशिंग करने नहीं आएगा। और ब्रिटिशर्स भी उस कस्टमरी रूल को फॉलो कर रहे थे, कोई भी फिशरमैन वहाँ फिश पकड़ने नहीं आता था। लगभग 300 सालों तक, 300 ऑफ ईयर्स तक यह कस्टम रूल चलता रहा। लेकिन 1911 में ब्रिटिश ट्रेवलर शिप यहाँ पे आई, 1911 में ब्रिटिश ट्रेवलर शिप आई और ब्रिटिश ट्रेवलर शिप उनके एरिया में घुस गई, उन्हें दैट शिप एनक्रॉस दैट एरिया जो प्रोहिबिटेड था। जैसे ही उस एरिया में वो शिप जाती है तो नॉर्वे की सरकार जो क्या करती है, उस शिप को क्या कर देती है, सीज कर देती है। अब उस शिप को जब नॉर्वे की सरकार सीज कर देती है और उनके जो फिशरमैन और जो कर्मचारी होते हैं उनको अरेस्ट कर लेती है, फिर चलो कोई बात नहीं, ब्रिटिशर्स यहाँ पे गम खा गए। फिर 1948 में फिर यही वाकया हुआ, 1948 में फिर से ब्रिटिश फिशरमैन आए और फिर से नॉर्वे की सरकार ने उनको ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद जो उनकी जो शिप थी उसको सीज कर दिया, सीज करने के बाद उनके जो लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया। अब यूके को थनक गया, यूके बोलता है यार ये क्या। यूके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, आईसीजे में गया और आईसीजे से कहा कि वो नॉर्वे की जो सीमा है वो तो खाली 4 माइल्स तक की है और उसके आगे हमारी सीमा लगती है, तो 10 माइल्स तक इन्होंने अपनी सीमा बढ़ा रखी है। दे हैव डीलिमिटेड देयर बाउंड्रीज, इन्होंने 4 माइल्स की बाउंड्रीज थी इनकी, इन्होंने 4 माइल्स की बाउंड्री को डीलिमिट करके 10 माइल्स तक कर दिया। तो बाउंड्री को डीलिमिट कर दिया, 4 माइल्स तक की थी और उसकी वजह से हम वहाँ फिशिंग करने जा रहे हैं तो हमको बाउंडेशन लगाया जा रहा है, हमारे जो सैनिक हैं, हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं हमारा जो ट्रैवलर शिप है, हमारी शिप है उसको पकड़ लिया जा रहा है और पकड़ने के बाद हमारे जो शिप के जो फिशरमैन हैं उनको भी पकड़ लिया जा रहा है, तो ये जो है इसके लिए हमें जो आईसीजे जो है वो कंपनसेशन दे, आईसीजे क्या करे, कंपनसेशन दे। तो आईसीजे ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया उस केस में। आईसीजे ने कहा कि ठीक है, नॉर्वे ने अपनी बाउंड्री को 10 माइल तक डीलिमिट कर दिया, लेकिन ये डीलिमिट जो किया है वो कब से चला आ रहा है, ये तो 300 सालों से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये दलील दी गई यूके की तरफ से कि साहब जो ये जो डीलिमिट का जो कंसेप्ट है, 4 माइल से इन्होंने 10 माइल तक डीलिमिट कर दिया है, ये सही है या गलत। तो नॉर्वे के हक में आईसीजे ने फैसला दिया कि 300 साल तक वो कस्टमरी रूल अपना कर ब्रिटिश फिशरमैन को रोक रहे हैं और ब्रिटिश फिशरमैन नॉर्वे की बात मान भी रहे थे, अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब यूके नहीं कह सकता है कि वो
मतलब अब यूके इस कस्टमरी रूल को नहीं, ऐसा नहीं कह सकते वो फॉलो नहीं करेगा, नहीं कह सकते क्योंकि वो फॉलो कर रहा था और यूके ने पहले भी से एक्सेप्ट किया था। दूसरा तर्क ये भी दिया गया कि जो 4 माइल्स का है उनका एरिया, उसमें काफ़ी सारे पहाड़ हैं छोटे 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 छोटे, जिसकी वजह से जो वहाँ पे फिशर्समैन है उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नहीं फिशिंग कर सकते, तो उनको अपने एरिया को डिलिमिट करना पड़ा 10 माइल्स तक। तो ये जो फैसला था वो नॉर्वे के हक में आया था, इसको एंग्लो नॉर्वियन फिशर केस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, 87 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके नाउ 88 क्वेश्चन, 88 क्वेश्चन आज सारे खत्म करने हैं। द ट्रीटीज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ टू आर मोर सोवरन स्टेट, लॉर्ड टेम्पलेमेंट सेड सो, दो या दो से अधिक प्रभुता संपन्न राज्यों के बीच हुई संधि इनके बीच हुई संविदा है, या लॉर्ड टेम्पलमैन ने किस वाद में कहा। क्वेश्चन नंबर 88, लॉर्ड टेम्पलमैन ने किस विवाद में कहा है ट्रीटीज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ टू आर मोर सोवरन स्टेट्स। एसएस लोटस केस में कहा है, गल्फ ऑफ मेन केस में कहा है, जेम्स बच्चन एंड कंपनी वर्सेस बैबो फॉरवर्डिंग एंड शिपिंग कंपनी का, जेम्स बुकानन एंड कंपनी वर्सेस बाबको फॉरवर्डिंग एंड शिपिंग कंपनी एंड मैकलेन वाटसन वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही, ए बी सी और डी। 88 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये केस डिस्कस नहीं कर रहा अभी, डिस्कशन में काफी टाइम लग जाता है, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तुम लोग कहोगे पूरे क्वेश्चन नहीं डाले। क्वेश्चन नंबर 89 पढ़िए। एज द साइंस ऑफ लॉ और फिलोसफी ऑफ लॉ एमर्ज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच केम्स इन टू द एग्जिस्टेंस, एनालिटिकल पॉजिटिविटी अप्रोच ऑप्शन ए, रियलिस्टिक अप्रोच ऑप्शन बी, सोशियोलॉजिकल अप्रोच ऑप्शन सी एंड हिस्टोरिकल अप्रोच ऑप्शन डी। विधि विज्ञान द साइंस ऑफ लॉ और फिलोसफी या विधि दर्शन, इनका जो प्रादुर्भाव हुआ, इनका जो एमर्ज हुआ, ये दोनों लॉ एमर्ज हुए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अस्तित्व में है, कौन विच वॉज द फॉलोइंग अप्रोच केम इन टू द एग्जिस्टेंस, एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच और हिस्टोरिकल अप्रोच। तो 89 का कौन सा ऑप्शन सही है, 89 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज रियलिस्टिक अप्रोच। ओके ऑप्शन बी सही है इसका। अब आ जाओ 90 में। द एक्सप्रेशन माइनॉरिटी इन द आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स एनी कम्युनिटी विच इज लेस देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, ऑप्शन ए बोल रहा हूँ, लेस देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट एज अ होल, लेस देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट एज अ होल, इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस। तो इसका क्या सही आंसर होना चाहिए, का सही आंसर क्या होगा, वन सेकेंड रफ कर देता हूँ ये। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 90, इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर होगा सी। इसका निर्धारण देश की कुल आबादी के आधार पर होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डू नॉट रिलेट टू इंस्टिगेशन, एक्सप्रेस सॉलिसिकेशन,
ऑप्शन ए कंसल्टिंग टू कंसोल, ऑप्शन बी स्टिमुलेशन, ऑप्शन सी एंड इंसिन्यूएशन कटाक्ष या आक्षेप, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, ऑप्शन बी। ओके ऑप्शन बी होगा क्योंकि एक्सप्रेस सॉलिसिकेशन है या स्टिमुलेशन है या इंसिन्यूएशन है, यहाँ पे आप भावनाओं को भड़का ही रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डू नॉट रिलेट टू इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन मतलब क्या होता है उकसाने का काम, तो ये तीनों तो कर ही रहे हैं लेकिन ये सांत्वना वाला काम तो उकसाने का नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट लग रहा है। 93 क्वेश्चन कह रहा है इन मुस्लिम लॉ हिजानत रिलेट्स टू मदर्स कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड, ऑप्शन ए ब्रदर्स कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड, ऑप्शन बी फादर्स कस्टडी ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन सी सिस्टर्स कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड, ऑप्शन डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मदर्स कस्टडी ऑफ चाइल्ड। फिर 95 केस है खूबचंद वर्सेस बैरम 1889 ILR 13 BOM 150 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इट वाज डिसाइडेड दैट, ऑप्शन नंबर ए हेल्प गिवन और प्रोमिस्ड टू ए डांसिंग गर्ल इज टेंटेड विद इमोरेलिटी, हेल्प गिवन और प्रोमिस्ड टू ए डांसिंग गर्ल डज नॉट कंस्टिट्यूट अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, हेल्प गिवन और प्रोमिस्ड टू ए डांसिंग गर्ल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हेल्प गिवन और प्रोमिस्ड, ऑप्शन डी हेल्प गिवन और प्रोमिस्ड टू ए डांसिंग गर्ल इज प्रपोजल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो 94 जो केस है इसका ऑप्शन होगा ए इमोरेलिटी है, हेल्प गिवेन आर प्रोमिस टू अ डांसिंग गर्ल इज टेंटेड विद इमोरेलिटी, किसी नृत्य वाला को की गई सहायता या सहायता करने का वादा अनैतिक से दूषित होता है। 95 क्योंकि इस केस को अभी मतलब ऐसे ये जनरल लॉ नहीं है, ये केस पढ़ोगे इस केस स्टडी को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, अभी डिटेल में केस स्टडी नहीं कर रहे हैं, अभी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं फिर केस स्टडी इसको करेंगे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा जरूर डिस्कस करेंगे। 95 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फॉलोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन टू प्रूव हर वर्जिनिटी अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ अ राइट टू प्राइवेसी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निश्चित किया कि एक महिला की जो वर्जिनिटी है उसको सिद्ध करने के लिए उसका चिकित्सक परीक्षण करना संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो उसको निजता का अधिकार दिया गया है उसका उसको वायलेट करता है। ये केस जो है ये सुरजीत सिंह थिंड वर्सेस कमलजीत कौर, ऑप्शन नंबर ए फिलिपा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ऑप्शन बी हमीदा वर्सेस MS के कशेकर, ऑप्शन सी कविता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। इसमें कौन सा सही होगा 95, तो 95 का ऑप्शन ए करेक्ट है सुरजीत सिंह थिंड वर्सेस कमलजीत कौर, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है सुरजीत सिंह थिंड वर्सेस कमलजीत कौर, राइट। तो 95 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। वन मोर क्वेश्चन क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से